इसी जगह पर जो है कि माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के लंगोटियाँ धोई थी। तो दोस्तों यह है लंगोटी कुंड और आप देख सकते हैं चारों तरफ का व्यू, और यहाँ पे जो कि एक बड़ा सा वृक्ष है जो कि आप देख सकते हो। और दोस्तों चलते हैं अभी और आपको दिखाते हैं अंदर से जो है कि लंगोटी कुंड। हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हो सभी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ एक ऐसी जगह दोस्तों जिसका नाम है लंगोटी कुंड। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बचपन में छोटे थे तो तब माँ यशोदा ने उनकी जो कि लंगोटियाँ यहाँ पर धोई थी। तो दोस्तों आज मैं आपको दोस्तों वही जगह दिखाऊंगा जहाँ पर माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के बचपन में लंगोटियाँ धोई थी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो जो कि अच्छा लगेगा, और दोस्तों वीडियो जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और कहीं पर भी स्किप ना करें। दोस्तों आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार नए आए तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें कि जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं आज लंगोटी कुंड। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं लंगोटी कुंड और आप देख सकते हैं यह सामने लंगोटी कुंड, और हम चलते हैं इसके अंदर और आपको दिखाते हैं लंगोटी कुंड जो कि किस प्रकार का बना हुआ है। तो दोस्तों इसी जगह पर जो है कि माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के लंगोटियाँ धोई थी। तो दोस्तों यह है लंगोटी कुंड और आप देख सकते हैं चारों तरफ का व्यू, और यहाँ पर जो कि एक बड़ा सा वृक्ष है जो कि आप देख सकते हो। और दोस्तों चलते हैं अभी और आपको दिखाते हैं अंदर से जो है कि लंगोटी कुंड। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं पूरा व्यू लंगोटी कुंड का। और दोस्तों चलते हैं भी आगे और आपको दिखाते हैं लंगोटी कुंड। और दोस्तों यहाँ पे जो कि ये चौक सा बना हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ से चारों तरफ का व्यू। और अब मैं जो कि आ चुका हूँ लंगोटी कुंड के बिल्कुल जस्ट अंदर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों पानी जो कि कितना गंदा है। दोस्तों इस टाइम जो कि इस पर कोई भी सरकार जो कि ध्यान नहीं दे रही है इस टाइम, तो इसी वजह से जो है कि ये यहाँ पर ऐसा ही है। और दोस्तों यहाँ पर जो कि ये घाट घाट से बने हुए हैं जो कि आप देख सकते हो, और यह है दोस्तों यहाँ पर सीढ़ियाँ। तो दोस्तों इसी जगह पर जो है कि माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के बचपन में लंगोटियाँ धोई थी। तो दोस्तों इसी को जो कि बोलते हैं लंगोटी घाट यानी कि लंगोटी कुंड। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि कितना बड़ा वृक्ष है, और आप देख सकते हो आगे। और फिर अभी चलते हैं वहाँ पर आगे को, और मैं आपको वहाँ से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों अभी चलते हैं वहाँ पर और दिखाता हूँ मैं आपको वहाँ से भी व्यू जो कि किस प्रकार का दिखाई दे। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो कि शिवलिंग लगी हुई है छोटी सी, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यह मंदिर है छोटा सा। और अभी चलते हैं आगे को और आपको दिखाते हैं बड़े बड़े वृक्ष जो कि कुछ प्रकार के बने हुए हैं। और दोस्तों यही है लंगोटी कुंड, यहाँ पर जो है कि ये सीढ़ियाँ हैं मैंने आपको दिखाई दी पीछे और आप देख सकते हो। और दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ दोस्तों यह पेड़ के पास में, और आप देख सकते हैं कितना विशाल वृक्ष है यहाँ पर। और दोस्तों अब मैं जो कि आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। तो दोस्तों यही है देख सकते हैं आप जो कि कितना बड़ा वृक्ष है, और यहाँ पे दोस्तों जो है कि कुछ थान बने हुए हैं और आप देख सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है कि ये कई रैलियाँ बनी हुई हैं जो कि चारों तरफ आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही हैं। और दोस्तों यह जो है कि कदम का पेड़ है, आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण जो कि शुरू स्टार्टिंग से जो है ज़्यादा कदम वृक्षों के पेड़ पर चढ़ते थे। तो दोस्तों ऐसे ही यहाँ पर जो कि कदम का वृक्ष लगा हुआ है, और अभी चलते हैं इसके चारों तरफ से आपको दिखाता हूँ व्यू। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बने हुए हैं कुछ चित्र भगवान जी के और यशोदा मैया के, आप जो कि देख सकते हो। और दोस्तों यही है लंगोटी कुंड। और दोस्तों यहाँ की दीवारों पर जो है कि चित्र बने हुए हैं मैया यशोदा के और भगवान श्री कृष्ण के और गाय ग्वालाओं के, जो कि आप देख सकते हो कितने अच्छे बने हुए हैं। और दोस्तों चलते हैं अभी और आपको दिखाते हैं वाइड एंगल में पूरा लंगोटी कुंड। तो दोस्तों अब जो कि आप देख सकते हैं लंगोटी कुंड, यहाँ से जो कि सामने सूरज बढ़ रहा है तो इसी वजह से जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पानी जो कि ज़्यादा गंदा है, तो इसमें जो कि फ़िलहाल आप तो कोई अपनी लंगोटी वगैरह नहीं धोता होगा जब भगवान श्री कृष्ण की मैया यशोदा ने धोई थी उस टाइम। तो दोस्तों लगभग 5000 वर्ष पुरानी बात है ये। और दोस्तों अभी चलते हैं आगे को, और दोस्तों मैं भी वहाँ पर ले जाऊँगा आपको जो कि वहाँ पर बने हुए हैं कुछ चित्र भगवान जी के और यशोदा मैया के। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ है और आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, पोती पड़ी पड़ी जुगमुआ पंडित भयानक कोय
ढाई अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। तो दोस्तों यहाँ पर जो कि ज़्यादातर दोहे बने हुए हैं और आप देख पढ़ सकते हो, वीडियो पॉज करके मैंने जो कि आपको एक दोहा जो कि पढ़ के बताया था। और दोस्तों यहाँ से, और दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ से दिखता है लंगोटी कुंड जो कि कुछ इस प्रकार का, जो कि ज़्यादा धूप आ रही है आगे से दोस्तों, देख सकते हो कैमरा जो है कि सूरज की वजह से जो है कि वीडियो अच्छी नहीं आ रही है, तो मैं अभी उस साइड चलता हूँ और उस साइड से दिखाऊंगा आपको लंगोटी कुंड। और ये दोस्तों देख सकते हैं ये वृक्ष भी कवर हो जाएंगे वहाँ से, तो मैं जो कि वहीं से दिखाता हूँ आपको। और दोस्तों ये यहाँ पर जो कि ज़्यादा चौक से बने हुए, इन पर आप जो कि आके खड़े भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैं बैठा हूँ इस पत्थर पर, यानी कि उस गोले पर मैंने आपको दिखाया था, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे चारों तरफ का जो कि लंगोटी कुंड का व्यू, और आप देख सकते हो मैं आपको दिखा सकता हूँ चारों तरफ घुमा के, और आप देख सकते हो चारों तरफ का व्यू लंगोटी कुंड का। और दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ वहीं पर जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भगवान श्री कृष्ण के जो है कि चित्र बने हुए हैं यहाँ पर, और ये आप देख सकते हैं यहाँ से किसी ने जो है खोर्च दिए हैं ये, और ये आप देख सकते हैं लंगोटी कुंड का चारों तरफ का व्यू। तो दोस्तों यही है वो लंगोटी कुंड जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के माता यशोदा ने, यानी कि लंगोटिया समझ लो आप या वस्त्र समझ लो, तो वही धोए थे इस जगह पर। दोस्तों यह जगह जो कि गोकुल में है और मैं भी इस टाइम जो कि गोकुल में ही हूँ, और आप देख सकते हो लंगोटी कुंड का व्यू। दोस्तों यही है लंगोटी कुंड, और मैं अभी चलता हूँ आगे को और आपको दिखाता हूँ लंगोटी कुंड का व्यू। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप चारों तरफ का लंगोटी कुंड का व्यू, और यहाँ पे जो कि बने हुए हैं कुछ भगवान श्री कृष्ण के चित्र, आप देख सकते हैं माता यशोदा राधा के संग, और आप देख सकते हैं चारों तरफ का व्यू। मैं आपको जो कि एक बार 360 डिग्री पूरा घुमा के दिखा देता हूँ किस प्रकार का बना हुआ है ये लंगोटी कुंड। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मैं जो कि ऐसी ऐतिहासिक जो कि वीडियो लाता रहता हूँ यहाँ पर, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में और एक नई ऐतिहासिक जगह पर।